हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूडीज वर्ल्ड। आज हम बनाने वाले हैं दूध से मलाई, मक्खन, घी, छाछ और मावा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। घी बनाने के लिए हमेशा फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करें। दूध को अब हम गर्म करेंगे। दूध में जैसे ही उबाल आ जाएगा, इसे हम ठंडा करेंगे और रेफ्रिजरेट करेंगे। दूध को हमने ओवरनाइट रखा है। अगली सुबह हम मलाई को बाहर निकालेंगे। 15 दिन तक हमने मलाई को इस तरह कलेक्ट करके रखा था। जब भी आप घी बनाएं, हमेशा 2 घंटे पहले मलाई को बाहर निकाल कर रखें। मलाई जमाते समय थोड़ा सा आप दही का इस्तेमाल भी करें। दही को अच्छे से मलाई में मिक्स कर इस तरह आप मलाई को 15 दिन तक कलेक्ट कर लें। 15 दिन की इस मलाई को अब हम मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे। मलाई को हमें ब्लेंड करना है जब तक मक्खन और छाछ अलग ना हो जाए। मलाई 15 दिन के बाद थोड़ी घट हो जाती है, इसलिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी आपको नॉर्मल लेना है। आप बर्फ़ के टुकड़े भी इसमें ऐड कर इसे ब्लेंड कर सकते हैं। मक्खन हमारा रेडी हो गया है। हाथों की सहायता से मक्खन को दबाकर छाछ को हम अलग कर देंगे कुछ इस तरह। ताज़ा मक्खन बनकर रेडी हो गया है। गैस पे एक बर्तन रखें, उसके अंदर हम अब मक्खन को डालेंगे। इसे हमें धीमी आंच पर पिघलने के लिए छोड़ देना है। बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है। मक्खन के पिघल जाने के बाद इसे लगातार चलाएं, नहीं तो मक्खन के पिघलने से निकला मावा जल जाएगा और घी खराब हो सकता है। मक्खन अपना कलर चेंज कर रहा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे इलायची। इलायची हम खुशबू के लिए डालते हैं। इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। कुछ देर बाद आप नोटिस करेंगे झाग और बुलबुले आने के साथ मावा घी से अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे हमें लगातार चलाते रहना है। घी हमारा रेडी हो गया है और मावा का कलर भी काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। एक साफ बर्तन में छन्नी की मदद से हम घी को छान लेंगे और मावे को अलग कर देंगे। इसे हम कोई भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख देंगे।